कस्बा पुरसी के आलम में हम आपके लिए लाए हैं ताजा हवा का एक दिल फरेब। 75 साल जहालत और गुलामी की बंजर मिट्टी पर बरसने वाली शऊर और आजादी की पहली बारिश इमरान खान। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है ना? तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। Never has one man scared the establishment political parties as much as it is right now. You look at television, there is only one man which is featuring. जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कैंपेन टांगनी शुरू हो जाती है। मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त होगे, तुम हारोगे। हमारा पाकिस्तान, हम फैसला करेंगे, हम करेंगे। आखिरी सांस तक इस जुल्म के निजाम का मुकाबला करूंगा। गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है। जंजीरें गिर नहीं जाती, तोड़नी पड़ती है। लारा रूबी ने कहा, जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। You enjoying this fight? Yes, because I think if I woke up and there was no challenge in my life, I would think it's the end of my life. जिसम के लिए गोलियां खा करके 150 पर्चे बर्दाश्त कर करके दहशतगर्दी के दांतों के चक्कर लगवा लगवा कर फिर भी आसमान को देखते हुए मुस्कुराता हुआ देखा। नारक का बच्चा है, खुदा की गैरतमंद है ये। बहादुर माँ ने बहादुर बेटा पैदा किया है। समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी छुट जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक एक करके हर चीज आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं है, तो एक बार उस दरख्त को जरूर देख लीजिए जिसका एक एक पत्ता उससे चढ़ता जा रहा है, लेकिन वो दरख्त खड़ा है इस उम्मीद के साथ कि बहार आएगी और बहार को आने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे तो उस दरख्त को भी काट दो, बहार फिर भी आएगी। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। उसको तोड़ना चाहते हैं, उसके हौसले को तोड़ना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। वो आदमी नहीं टूट रहा, नहीं टूटेगा। उम्मीद नहीं टूटने दे रही है, आजादी की उम्मीद। अरे उसे हटाने के लिए इस मुल्क में जज बिका, जर्नैल बिका, सियासतदान बिका, मुल्ला बिका, सहाफी बिका, दानिशवर बिका, दलाल, और न जाने कौन किस किस की खाट पे बिका, वो आज भी अल्लाह के हुक्म से खड़ा। अल्लाह तेरी इबादत करते और अल्लाह सिर्फ तेरे से मदद मांगते। He will succeed. He is bound to succeed. ये आपको हजार में से हजार दफा गलत की है। जो हारने से डर गया ना, वो कभी नहीं जीत सकता। पत्ता पलटेगा। अंगूरे शहर की मुझसे फकत इतनी सी लड़ाई है कि मैं वो सर बनाता हूँ जिन्हें झुकना नहीं है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, तो फिर डर किस चीज का? साहिरा आदमी ऐसा लीडर कहाँ मिलता है? अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर तोहफा दिया। जो जिंदगी है ना, वो कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती। कोई आज तक दुनिया में ऐसा इंसान नहीं आया जो एकदम जीरो से एकदम कामयाब हो गया। वो साइकिल्स में जाता है, ऊंच नीच जिंदगी का नाम है। हमने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए हमारी दुआएं कबूल फरमाए। उसे हौसला है कि उसकी सोच को, उसकी बात को, उसके अल्फाज को ये बड़ी बड़ी फसीलें बांध के नहीं रख सकते।
मुफामत ना सिखा जबर नारवा से मुझे, मैं सर बेकाफू लड़ा दे किसी पनाह से मुझे। जान माल इज्जत आबरू अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद खान पे और पाकिस्तान पे हो। जितना भी हो डाकुओं का गुलदस्ता चोरों का टोला, ये जितनी भी कोशिश करे वो भी कर, जितनी भी ये प्लाने लाइन के लिए प्यार चलते हैं दबे पाओ कि कोई जाग न जाए। गुलामी के सिरों की यही खास अदा है और होती नहीं जो कौन हक बात पे अच्छा उसको हाकिम भी फकत उसकी सदा है। भूजी कार्ड, औरत कार्ड, मजहब कार्ड, चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन, अलीम खान, प्रेस कॉन्फ्रेंस, परागोजी, तोशाखाना, रिहाम खान, शाहिदा फरीदी, साहिबा गुल, आयशा गुलाल, मुस्तफा कमाल, गुलकार जवाद अहमद, मलक रियाज, आरयूबी, जेडयूबी, कॉल लीक, ममनुआ फंडिंग और 90% मीडिया के नाम में हाथ से हाथ के तजुर्बे मिलाकर सब हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कप्तान आज भी मकबूलियत की उरूज पर। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। आप हमारे लिए हमारे मुल्क की जमीन को तंग कर दें तो आप मुहिब्बे वतन और हम अपनी जमीन पे आजादी से रहने का हक मांगे तो हम गद्दार हैं, हम बागी हैं। आप खुदा ना खास्ता कभी हार भी जाएं तो आप मुल्क पे वतन है और हम आपसे पूछें कि हुजूरे वाला ये क्या हुआ था तो हम गद्दार हैं, हम बागी हैं। हम हंसे तो गद्दार हैं, रोए तो गद्दार हैं, बोले तो गद्दार हैं, चुप रहे तो गद्दार हैं, बात करें तो गद्दार हैं, ना करें तो गद्दार हैं, हम सवाल करें तो गद्दार हैं, जवाब मांगे तो गद्दार है, जवाब ना देने पर रिएक्ट करें फिर गद्दार है, क्योंकि हम पैदा हुए हैं हुजूर गद्दारी के लिए।